हाँ हाँ मैं चाउमीन ले आऊंगा आते हुए, ठीक है, पकौड़े भी ले आऊंगा, अरे बागवान समोसे भी ले आऊंगा, ये भी न चले भी चाहिए, घर दे तू चटोरी बहु होने का यो नुकसान है जी, ड्यूटी नहीं करने दे, सारे घर के आगे भाई सारे, कोई और तो नहीं है घर में? ना जी सारे आगे इतने ही है घर में तो। हाँ तो फिर बताओ क्या केस है, किसने फोन किया था मुझे? मैंने किया था इंस्पेक्टर साहब, मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए हैं। सोने के कंगन है? आप वो कंगन पहन के कहीं घर से बाहर गए थे? नहीं नहीं मैं तो दो दिन से घर पे ही बैठी हूँ। ओहो मैडम आप भी कत्ती ठली पड़े हुए हैं। अरे भाई साहब मैं इसके कंगन पहन के बाहर क्यों जाऊंगा जी? ना जी करेक्ट बात है, जायज है गति। और ये दोनों कौन है जी? यो तो जी मेरा छोटा साड़ा है, कल आया कैनेडा से आइटम। और ये हमारी काम वाली है जी गुलाबो। ओहो आप यहाँ काम करते हो जी? मेरे को तो लगा आप यहाँ की लैंडलॉर्ड होगी, मकान मालकिन वगैरह हैं। अरे नहीं नहीं साहब मैं तो इधर काम करती है। अच्छा अच्छा वैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रेसिव है जी, आई मस्ट से लवली। अरे साहब आपको शर्म। इंस्पेक्टर साहब अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे। हाँ हाँ पूछो पूछो कोई दिक्कत नहीं। आपकी वर्दी इंडिया की तो नहीं लग रही? या भाई साहब अमेरिका की वर्दी है, वैसे तो मैं न्यूयॉर्क पुलिस में थानेदार हूँ, पर आजकल हरियाणा पुलिस के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, यू नो ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा जी हरियाणा पुलिस अमेरिका तक फेमस है? और बावड़ी बूच अमेरिका में दो ही चीज तक फेमस है, एक हरियाणा रोडवेज और एक हरियाणा पुलिस। वाह जी वाह, फिर तो हम भी अपनी बेटी ने हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर बनाओगे। इंस्पेक्टर साहब मेरे कंगन तो मिल जाएंगे ना? अरे मैडम टेंशन मत लो, आपके कंगन आज ढूंढ के छोड़ देंगे। देखो भाई साहब एक बात तो क्लियर है, कंगन घर में से चोरी हुए हैं, इसका मतलब आप सब में से ही कोई एक चोर है। इंस्पेक्टर साहब मुझे तो लगता है कंगन गुलाबो ने चुराए हैं। अरे मेम साहब ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, आपको मैं चोर लगती हूँ क्या? इंस्पेक्टर साहब कितनी बार मुझसे पूछ चुके हैं कहाँ से लिए कितने के आए हैं। अरे साहब वो तो कंगन का डिजाइन इतना खराब था, सोम बाजार टाइप लग रहे थे, तो मैंने पूछ लिया क्या पता सस्ते हो तो मैं भी ले लेगी। What? मैंने कोई चोरी नहीं की साहब, ट्रस्ट मी आई शपथ। अरे आई ट्रस्ट यू बेबी आई मीन गुलाबो, आप किसी का दिल चुरा सकती हैं पर कंगन ना ना ना। इंस्पेक्टर साहब मैंने तो ऐसा लग गया है यो काम मेरे साले साहब का है। What, geez? आपको मैं शक्ल से चोर लगता हूँ? शक्ल तो तुमने सिंघाड़े बेचनिया लग गया है, यो काम भी तेरा ही पाओगा। सिंघाड़े? ललित तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे इल्जाम लगाने की? शक है मनी चोर जी सी शक्ल के पे। मुझे तो लगता है काम तुम्हारा है। मैं तेरे कंगना के करूंगा? क्या पता तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा और दे दियो गिफ्ट मेरे कंगन। वाह 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 इतने सालों की मोहब्बत का ये सजा दिया तुमने? सजा नहीं सिला होता है। इतने सालों की मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने? वेट 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 मैडम की बात में दम तो है, इस बात की गहराई तक जाना पड़ेगा। भाई साहब आप बताओ आपका कोई अफेयर तो नहीं है? क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। वो मैं डिसाइड करूंगा कौन किससे कितना प्यार करता है। आप पहले ये बताओ दोनों आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज थी जी हमारी, तो पहली बार हम बस स्टैंड पे मिले थे। कब और कैसे पूरी कहानी सुनाओ डिटेल में। उस दिन सोमवार का दिन था जी, ये बस स्टैंड पे अकेली खड़ी थी, मैं वहां पे आया। दिल्ली में कितनी सर्दी है ना। एक्सक्यूज मी नॉर्थ कैंपस जाने वाली बस निकल गई क्या? सॉरी मुझे नहीं पता, मैं कभी बस से ट्रैवल नहीं करती। पता ही नहीं यहाँ एयरपोर्ट कब बन गया। पहले तो बसेस ही चलती थी। अरे मेरा मतलब है मेरा भाई आने वाला है मुझे पिक करने। अच्छा 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 आपका भाई भी नॉर्थ कैंपस में पढ़ता है क्या? नहीं नहीं वो तो कनाडा में पढ़ता है। कनाडा? कनाडा से यहाँ पिक करने आएगा? नहीं नहीं वो आजकल दिल्ली आया हुआ है। अच्छा अच्छा दिल्ली आया हुआ है। वैसे आप किस कॉलेज में पढ़ते हो? मेरा भाई आ गया सॉरी। ओके बाय। ओ यार मैं तो इसका नाम भी नहीं पूछ पाया, हैपन पे ढूंढता हूँ। ये रही नेहा। बस इंस्पेक्टर साहब उसके बाद हमने डेट कराया और सोची और क्यों वेट कराया फिर शादी कर ली। ये तो काफी क्यूट लव स्टोरी होगी है, इसका मतलब अफेयर तो नहीं है आपका। अब बचे ये दोनों। हाँ भाई
तुम बताओ किसने कंगन चुराए हैं? इंस्पेक्टर साहब मैं कह रही हूँ ये काम पक्का गुलाबों का ही है। और मैं कह रहा हूँ यो काम पक्का इस कनाडा वाले आइटम का है, तुम इतने शर्त लगा ले। जी नहीं। जी हाँ। जीज कम ऑन, मैं कंबो प्रिंस हूँ। अरे वो कंबल प्रिंस, तू ये बता तू कनाडा से कब आया यहाँ? मैं तो कल दोपहर में आया हूँ, अभी तो मेरा जेट लैग नहीं उतरा। जेट लैग तो तेरा मैं तार दूंगा, अगर कंगन ते दुरप्पा आ गए ना देख लिए। मामला काफी पेचीदा है, उलझता ही जा रहा है। मैडम आप एक काम करो, कल से लेके और अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, एक एक बात मुझे डिटेल में बताओ। कल सुबह गुलाबो बर्तन साफ कर रही थी, मैं सब्जी काट रही थी और ललित और नितन्या लिविंग रूम में चेस खेल रहे थे। नितन्या तेरा ऊंट मर गया। वो ऊंट नहीं है, वो बिशप है। अरे जब नू लगा ले बिशप मर गया। वो आपके पेशे मर गया। मेरा भी मर दिया। हाँ गुलाबो एक बार जल्दी से बर्तन खत्म करके ना गेस्ट रूम साफ कर देना। गेस्ट रूम? क्यों मैम साहब, कोई गेस्ट आ रहा है क्या आज? हाँ मेरा छोटा भाई आ रहा है कनाडा से। हैला, आपका भाई कनाडा में रहता है? हाँ वहाँ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है वो। फैशन? मैम साहब फैशन का तो मेरे को भी बहुत शौक है। इनफैक्ट मेरे को एक लहंगा डिजाइन करवाना था, वो कर देंगे क्या? तो अपना काम कर ले ठीक है, मैंने आधा गेस्ट रूम ऑलरेडी साफ कर दिया है, आधा जाके कर ले अब। अरे वो तो मैं कर देगी मैम साहब। अच्छा आप एक बात बताओ, आपके भाई बहन लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, फिर तो आपकी फैमिली बहुत पैसे वाली होगी ना? बस क्या बताऊं गुलाबो, इस घर में आके मेरी दासियों जैसी हालत हो रही है, वरना अपने घर में तो मैं राजकुमारी की तरह रहती थी। अरे वो तात्या टोपे ही पोती, देख रखिए थारी रियासत, 150 गज के प्लॉट में घर बना रहे हो, 3 कमरे हैं नितन्या, उम्र तो 2 किराए पर दे रखे हैं, राजकुमारी थी मैं। ज्यादा बकवास तो तुम करो मत, पूरे लुधियाना में हमारी दुकान से कंबल जाते हैं, कंबल किंग कहते हैं मेरे पापा को, कंबल किंग। अच्छा फिर तो आज मारेगा कंबल प्रिंस आओगा। मार ली अपने गंदे जो। रियली मैम साहब आपके पापा का कंबल का बिजनेस है? मेरे लिए भी एक मंगा दो ना प्लीज, आजकल यहाँ इतनी ठंड हो गई है। हाँ मंगवा दूंगी, तो सारा ड्रामे मत कर, अपना काम कर ले। अरे नेहा की तो लुधियाना का कंबल मंगवाओगी, हाल तुम परेशान होगी, मैं दुबई तो 2 कंबल ले आया था, उनमें देख दे गुलाब होते काफी वार्म है। अच्छा इस घर के कागज भी नाम करवा दो इसके। और तू क्या इतना खुश हो रही है, जाके गेस्ट रूम साफ कर दे। तुम्हें बड़ा कंबल बांटने का शौक चढ़ रहा है? नहीं नहीं वो तो मैं सोच रहा था कि त्योहार आ रहा है तो दे देते कुछ बेचारी को। अच्छा कौन सा त्योहार आ रहा है? ओ वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना। वैलेंटाइंस डे? प्रिंस आ गया, प्रिंस आ गया, प्रिंस तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। Hey, hey sis, how are you? I'm good, how are you? Good. Hey Jeez, hey Nathania. Hi mom, I'm busy right now. चल बता क्या लाऊं, चाय पिएगा के दूध? दूध? सिस मैं दूध नहीं पीता, कुछ लेमनेड वगैरह ले आओ। गुलाबो एक ग्लास लेमनेड बना ला। ये लेमनेड क्या होता है मेम साहब? अरे नींबू पानी मांग गए हो, दे दे आइटम दे एक ग्लास। वाह जीज। अरे तू इनको छोड़, तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई? सिस मैं आज चिल करने गया हूँ, पढ़ाई करने नहीं। भाई बिना पढ़ाई, आई मीन बिना पढ़ाई के फ्यूचर में क्या करेगा? जीज मेरे डैड कंबो किंग है, लुधियाना जाके उनका बिजनेस संभालूंगा और क्या। बस फिर ये लेमनेड पी के गेस्ट रूम में सोने चला गया। इसका मतलब आपने पहले थोड़ा सा गेस्ट रूम साफ किया, फिर गुलाबो ने पूरा गेस्ट रूम साफ किया, फिर कंबल प्रिंस वहाँ कंबल ओढ़ के सो गया। हो ना हो गेस्ट रूम में ही कोई क्लू है, मुझे आपके गेस्ट रूम की तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो रहा गेस्ट रूम। जाओ तुम भी जाओ, के बे रहे कुछ मुच्छा मलको ले, जो पुलिस वाला भी चोर लग गए। गुलाबो तुम तो कह रही तुमने रूम साफ किया था? अरे साफ ही तो है ना साहब, बस थोड़े बहुत खिलौने पड़े इधर उधर। हाँ काफी साफ लग रहा है। भाई जब ये गेस्ट रूम में खिलौनों का क्या काम? अरे ये तो गेस्ट के एंटरटेनमेंट के लिए है, कभी बोर हो रहे हो तो खेल वगैरह लो, यू नो टाइम पास। हाँ स्मार्ट, वेरी थॉटफुल। वैसे इसमें गेस्ट सोगा कहाँ? अरे ऐसी पैर बचा के निकल जाओ और बंक बेड पे जाके सो जाओ, आसान ही तो है। अच्छा अच्छा मतलब अपना रास्ता खुद ढूंढना है। गुड, आई लाइक द आइडिया है। मुझे इस गेस्ट रूम की थोरो तलाशी लेनी पड़ेगी और आप सबको मेरी मदद करनी है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट।
ये है आपके कंगन। अरे हाँ यही तो है मेरे कंगन। अब याद आया, कल सफाई करते हुए मैंने तो बेड के नीचे रख दिए थे। थोड़ा पार निकली चुया। क्या मेम साहब, फालतू में साहब का भी टाइम खोटी कर दिया ना। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो ठल्ली हैं और इस बहाने आपसे मुलाकात भी होगी। हाय गाइस, तो दोस्तों इस वीडियो को दबाकर लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर दो साहब। एंड टू मीट द पीपल यू क्रॉस पाथ्स विद, हैपन ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शॉकिंग फिल्म्स। एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो @TheRateTheLishOkin1515। हम वहाँ डेली स्टोरीज डालते हैं, न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।